अच्छा चलिए ठीक है ना। दिस वन यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। यस्टरडे वी डिड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। तो उसमें पोजिशनल चेन ब्रांच और तीसरा था फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो इसका एक का मैं एग्जांपल जल्दी से कर लेता हूँ कि मैंने कहा था तीनों का ना एक एक ड्रॉ करना है और उसका स्केलेटल फॉर्मूला ड्रॉ करना है। तो ब्यूटेनोइक एसिड का यू हैव टू ड्रॉ, ब्यूट का मतलब चार कार्बन एटम्स, और नेमिंग अभी हमने नहीं की लेकिन कर लेते हैं रिवाइज। अच्छा, सो दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड। तो अगर वो आपको, इफ दे गोइंग टू टेल यू कि इसका वो बनाओ ब्रांच या चेन आइसोमर बनाओ, तो द चेन आइसोमर वुड लॉक कि आपने उसकी जो कार्बन की चेन है उसको ऑल्टर कर देना है। चार कार्बन एटम्स लाइन में होने की बजाय दे वुड बी थ्री कार्बन एटम्स इन अ लाइन, और एक उसकी ब्रांच बना दो। सो दिस इज योर अच्छा, दिस वन इज योर ब्रांच आइसोमर। फिर आपके पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर इज गोइंग टू बी कि आप उसका फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दो, कुछ भी चेंज कर दो। तो यू कुड टर्न इट इनटू एन एल्डिहाइड, और ओएच को कहीं और ले जाओ, तो अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों एट द सेम टाइम आपके पास आ गए हैं। तो ये आपके पास दिस वाज योर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, कि आप उसका फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर दो। एंड दिस इज योर चेन आइसोमर। इस पर्टिकुलर केस के अंदर पोजिशनल आइसोमर नहीं बन सकता क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजिशन आप चेंज कर नहीं सकते बाय डिफॉल्ट। तो पोजिशनल आइसोमर में आप किसी एक चीज की ना पोजिशन चेंज करते हो। फॉर एग्जाम्पल इस केस में, मतलब जो ऑप्शन बी है उसके अंदर यू कैन मेक अ पोजिशनल आइसोमर। वॉट यू कैन डू इज कि आप के पास यू हैव वन टू थ्री कार्बन एटम्स, डबल बॉन्ड ओ और एच एंड पे है, ओ एच वॉज ऑन द मिडल कार्बन एटम। वॉट यू कैन डू इज यू कैन उसकी पोजिशन आप चेंज कर सकते हो। ओ एच कैन बी टेकन टू द लेफ्ट, और बाकी ये सारे एच उसकी जगह आप ऐड कर दो। यहाँ पे बॉटम पे देयर इज अ सी एच सी। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पोजिशनल आइसोमर। चलिए, ये सारा क्लियर था लास्ट जो हमने किया, ये भी हम पास पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सियाल, आपने इज दिस क्लियर? यस सर। अच्छा, जो नेक्स्ट नेक्स्ट जो चीज करनी है, दैट्स नाउ रिमेंबर वन थिंग कि जब भी आइसोमर बनते हैं ना, आइसोमर्स आर कंप्लीटली डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह, फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो सकता है, योर पोजिशन चेंज होने से प्रॉपर्टीज काफ़ी चेंज होती हैं। सो आइसोमर्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जरूरी नहीं है कि वो मिलती जुलती हो। दे कैन बी ड्रास्टिकली डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ पे ये एल्डिहाइड है। सो देर कम्प्लीटली टू डिफरेंट स्पीशीज। तो नॉर्मली आइसोमर्स के अंदर यू डोंट हैव एनी सिमिलैरिटी। अच्छा, एनी वेज, मूविंग ऑन, स्टीरियो आइसोमर्स पे बात करते हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स अगेन, इट्स अच्छा, इट्स द सेम कॉन्सेप्ट। अच्छा, स्टीरियो आइसोमर्स का कॉन्सेप्ट ये कि यू अगेन हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो सेम नंबर ऑफ एटम्स है। एंड यू हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, बट द रीजन नाउ फॉर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इज नॉट द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। द रीजन दे हैव डिफरेंट
अच्छा इन दिस केस द रीजन दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इज दे हैव अ डिफरेंट थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री. So it's a different three-dimensional geometry exists. Yani connectivity exactly same hogi. They would be bonded in exactly the same way. But the geometry or the ke bonds ki direction jo hai, that would be different. So connectivity and arrangement would be exactly the same. मतलब ये शर्त है कि दे शुड बी बॉर्डर्ड इन एग्जैक्टली द सेम वे. द ओनली डिफरेंस इज दैट इन अ स्टीरियो आइसोमर यू हैव अ डिफरेंट थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री. और उसके अंदर फर्स्ट जो एग्जाम्पल है ना, दैट्स योर सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स. इसमें दो ऑप्शंस होते हैं. वन ऑफ देम इज दे नोन एज ज्योमेट्रिक आइसोमर्स. So that's the first one. पहले ये पढ़ लेते हैं. Geometric isomers में you have a molecule exists in two ways. One of them is a cis version. The other one is known as a trans version. अच्छा पहले तो conditions लिख लेते हैं कि when do geometric isomers form. Conditions ये and how to identify a molecule. Not all molecules would form geometric isomers. बड़ी specific conditions होती हैं. So the first thing is that there has to be, just a second. Acha, so the first thing is that there has to be a carbon double bond carbon. Wo nahi hoga to cis or trans molecules jo honge wo exist nahi karenge. Theek hai, there has to be a carbon double bond carbon present. ठीक है, दैट्स द फर्स्ट कंडीशन. अगर मॉलिक्यूल में है ही नहीं ना कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है. देयर इज नो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स. द सेकंड मस्ट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन इज दैट ईच ऑफ द कार्बन इन द डबल बॉन्ड मस्ट बी बॉन्डेड टू टू डिफरेंट ग्रुप्स. ठीक है, टू डिफरेंट, इट शुड बी बॉन्डेड टू टू डिफरेंट ग्रुप्स. सो फॉर एग्जाम्पल, पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है, खाली एक्सप्लेन हम बाद में करते हैं. आइडेंटिफाई करना है कि वो सिस और ट्रांस ये ज्योमेट्रिक आइसोमर्स फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा. तो अगर मेरे पास, इफ आई हैव अ डबल बॉन्ड एंड so how would you identify that it's forming cis and trans isomers? Okay, first thing is you have to look for a double bond. So there is a double bond in this molecule. Second thing is that each of the carbon atoms, okay, for example, this carbon atom in the double bond, it must be bonded to two different groups. So is it bonded to two different groups? Ek side pe H hai, ek side pe Cl hai. So it is bonded to two different groups. And each of them, not just this one, the other one must be bonded to two different groups as well. Unke aapas mein groups same ho ya different ho, that doesn't really matter. But the thing is ki they should be, to dusre carbon atom ko bhi dekh lo ki is it bonded to two different groups or not. To wo bhi do different groups ke sath bonded hai. To jiska matlab hai ye wala jo double bond hai na, that would be forming or having cis and trans arrangements. ठीक है, अभी हम सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं. ठीक है, समझते हैं बाद में. तो इफ आई हैव अनदर मॉलिक्यूल, लेट्स से ये मॉलिक्यूल है, तो ये CH3 है, यहाँ पे CH3 है, देयर इज एन H ओवर हियर एंड देयर इज अ CH3 ओवर हियर. कोई मुझे बताएगा कि इज दिस गोइंग टू फॉर्म सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स? इसको सही कर ला. अच्छा वो आइडेंटिफाई कर लेते पहले कि डबल बॉन्ड है. ठीक है, वो है. आर द कार्बन बॉन्डेड टू टू डिफरेंट ग्रुप्स? दिस वन इज, द अदर वन इज नॉट बॉन्डेड टू टू डिफरेंट ग्रुप्स.
तो ये जो दूसरा वाला है ना, दैट्स नॉट बॉन्डेड टू टू डिफरेंट ग्रुप्स, वो दोनों साइड पे एक ही ग्रुप है. तो इसका मतलब है ये वाला सिस और ट्रांस आइसोमर्स फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है? तो ये क्लियर है? जी सर. तो इसका ख्याल रखना है, पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बनेंगे कब. देयर हैज टू बी अ डबल बॉन्ड एंड ईच ऑफ द कार्बन एटम्स, ठीक है, वेदर इट्स द राइट वन और द लेफ्ट वन, ठीक है, ईच ऑफ देम दे मस्ट बी बॉन्डेड टू टू डिफरेंट ग्रुप्स. ये वाला भी दो डिफरेंट, आपस में वो मिलते जुलते हो या ना हो, दैट डजंट रियली मैटर. ये वाला डबल बॉन्ड, दैट्स नॉट फॉर्मिंग ज्योमेट्रिक आइसोमर्स. व्हाई? बिकॉज इसका जो कार्बन है ना, वो दोनों साइड्स पे एक ही ग्रुप है, सो दैट वुड नॉट बी फॉर्मिंग सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स. तो पहले तो आइडेंटिफाई कर लिया कि इस डबल बॉन्ड की ना. अच्छा, फिर एक और वर्जन भी होती है जिसके अंदर सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स आर नॉट पॉसिबल, कि अगर कंडीशंस भी मीट हो जाए ना, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स आर नॉट पॉसिबल इन साइक्लिक स्ट्रक्चर्स. बल्कि इसको हम एंड पे डिस्कस करते हैं, पहले सिस एंड ट्रांस डिस्कस कर लें, फिर वो समझ आएगा. अच्छा, सो हाउ आर सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स फॉर्म्ड? हमने आइडेंटिफाई करना तो सीख लिया, हाउ आर दे फॉर्म्ड? तो इसके लिए ना, पहले सबसे पहले ना, ये डबल बॉन्ड की कहानी पहले स्टार्ट करनी पड़ेगी हाइब्रिडाइजेशन से. व्हेन कार्बन मेक्स अ डबल बॉन्ड, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू केयरफुली लुक एट दिस कार्बन एटम जो रेड में सर्कल्ड है, तो व्हेन इट मेक्स अ डबल बॉन्ड, तो कार्बन जो है ना वो तीन एटम के साथ बॉन्डेड होता है. तो इसका मतलब ये कि कार्बन की जो शेप होगी ना, दैट इज गोइंग टू बी फैन शेप्ड, इट्स बॉन्डेड टू थ्री एटम्स. तो मैं उसकी ना ट्राइगोनल प्लेनर शेप को कहते हैं, इट्स 120 डिग्रीज. तो एक एटम इधर पड़ा हुआ है और एक एटम इस साइड पे पड़ा हुआ है और एक एटम, तो वो तीन कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है? सो व्हेनेवर यू सी अ डबल बॉन्ड, कार्बन इज मेकिंग थ्री, इट्स बॉन्डेड टू थ्री एटम्स, ठीक है, एक राइट साइड पे, ऊपर लेफ्ट साइड पे. तो इसकी जो एक्चुअल ज्योमेट्री है ना, दैट्स ट्राइगोनल प्लेनर, इट्स फैन शेप्ड. अब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ जाके कोवलेंट बॉन्ड बना रहे, एक इलेक्ट्रॉन जाके इस वाले एटम के साथ बॉन्ड बना रहे, एक इलेक्ट्रॉन जाके इस वाले के साथ बॉन्ड बना रहे. बट द थिंग इज, कार्बन हैज फोर इलेक्ट्रॉन्स. तो इसका मतलब है उसका फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो तो अभी शुरू में किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बना रहा. तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो अपने पी ऑर्बिटल के अंदर उसी तरह पड़ा हुआ है, दैट्स द फोर्थ इलेक्ट्रॉन. तो कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होपफुली एवरीवन नोज दैट, कार्बन ग्रुप फोर में होता है. तो कार्बन हैज फोर इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल. लेकिन जब भी कार्बन इज बॉन्डिंग, इट्स मेकिंग अ डबल बॉन्ड लाइक इन एन एल्कीन, तो कार्बन वुड बी बॉन्डेड टू जस्ट थ्री एटम्स. एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले के साथ बॉन्ड बना रहा है, एंड द फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज प्रीटी मच नॉट डूइंग एनीथिंग इनिशियली, ठीक है? सो दिस इज नोन एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, के कार्बन हैड फोर इलेक्ट्रॉन्स, तो वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वुड बी कॉल्ड एस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर स्ट्रेच हो गया, दैट वुड बी कॉल्ड एन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. दिस वन वुड ऑल्सो बी कॉल्ड एन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. और ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ना, वो उसी तरह अपने पी ऑर्बिटल में बैठा हुआ है. बाकियों के नाम इसलिए चेंज करने पड़े हैं कि बाकियों की शेप चेंज हो गई है, क्योंकि वो एक इधर स्ट्रेच हो गया, एक इलेक्ट्रॉन उधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन उधर चला गया. तो इसलिए यू स्टार्ट कॉलिंग देम डिफरेंट नेम्स, यू स्टार्ट कॉलिंग देम sp3 sp3 sp3. शेप वगैरह भी डिस्कस कर लेते हैं. शेप इज, द एंगल इज 120 डिग्रीज, इट्स फैन शेप्ड, और यू कैन कॉल इट ट्राइगोनल, आई मीन यू शुड कॉल इट ट्राइगोनल प्लेनर, फैन शेप नहीं कहना, ठीक है? अभी बेसिक आइडिया क्लियर है हाइब्रिडाइजेशन का, कि कार्बन कार्बन के इलेक्ट्रॉन. यस सर, ये लोन पेयर की वजह से इसमें ज्यादा कम नहीं हो जाना चाहिए ये एंगल 120 का? नहीं, ये ऊपर है ना, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना ऊपर और नीचे है ना, मतलब ऐसा सोचो फैन है ना, ऊपर वाला नीचे पुश कर रहा होगा इन सारों को, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे भी है ना, तो इसका मतलब वो फैन फिर एग्जैक्टली बीच में ही रहेगा. सही समझ गया, ठीक है. अच्छा, तो अब अगली कहानी. तो कार्बन जब भी डबल बॉन्ड्स बना रहा होता है, इट्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड. अच्छा, sp, ये मैंने क्यों sp3 लिखा है, इसको सही करो. शुक्रिया, पहले आइडेंटिफाई कर लिया, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? तो ये शक्ल होती है कार्बन की. कार्बन की एक दूसरी फॉर्म भी है,
ठीक है, वो दूसरी फॉर्म भी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी फॉर्म में क्या होता है कि कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, उसके अंदर कार्बन इज बॉन्डेड टू फोर एटम्स, तो फिर उसके अंदर ना कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे होते हैं। एक एटम इलेक्ट्रॉन को इधर खींच रहा होता है, एक इधर खींच रहा होता है, एक बोर्ड से बाहर लेके आ रहा होता है, ठीक है, सो और एक जो होता है ना वो एटम बोर्ड के बैक साइड पे लेके जा रहा होता है। तो उसके अंदर ऑल द फोर इलेक्ट्रॉन्स दे गेट स्ट्रेच्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और मतलब एक एटम इधर बॉन्ड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, वन एटम जैसा CH4 है, ठीक है, सो यू हैव फोर एटम्स ऑल बॉन्डेड टू इट एंड दीज आर नोन एज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मतलब वही उसके चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन बिकॉज दे गेट स्ट्रेच्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस बाय द फोर एटम्स जो उसके साथ बॉन्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, क्योंकि शेप डिफरेंट होती है। अच्छा, शेप डिफरेंट होती है और टेट्राहेड्रल होती है। जस्ट अ सेकेंड, एंगल्स जो होते हैं 109 पॉइंट, फाइव डिग्रीज होते हैं। अच्छा, तो रिमेम्बर दिस, कार्बन जब सिंगल बॉन्ड्स बना रहे हैं ना तो उसकी शक्ल इस तरह होती है, टेट्राहेड्रल, ठीक है, 109.5, चार इलेक्ट्रॉन्स दे गेट पुल्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और वो क्योंकि मैक्सिमम एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो वेलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी सजेस्ट करती है कि जी एंगल जो होगा वो 109.5 होगा। बट ऑन द अदर हैंड, व्हेन कार्बन इज ओनली बॉन्डेड टू थ्री एटम्स, तो उसका मतलब है कि इट्स गोइंग टू बी फैन शेप्ड, और वो जो चौथा इलेक्ट्रॉन कार्बन का है ना वो फालतू पड़ा हुआ है, ठीक है, इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग इनिशियली। तो हाउ डज अ डबल बॉन्ड फॉर्म, तो उस पर फोकस करते हैं कि डबल बॉन्ड फॉर्म किस तरह होता है। डबल बॉन्ड फॉर्म करता है जब इस तरह के ना दो कार्बन एटम्स आमने सामने आ जाते हैं, ठीक है, दैट्स हाउ एन एल्कीन इज फॉर्म्ड। तो टू हाइब्रिडाइज्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ठीक है, दे फेसिंग ईच अदर, सो तो कार्बन के तीन इलेक्ट्रॉन्स दे गेट पुल्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एच पुल कर रहा इलेक्ट्रॉन, एक एच पुल कर रहा है, साइड पे कार्बन इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, ठीक है, तो दूसरे कार्बन के साथ भी यही हो रहा है कि उसका एक इलेक्ट्रॉन इधर एक हाइड्रोजन का एटम पुल कर रहा है, एक इधर हाइड्रोजन का एटम पुल कर रहा है, और तीसरी साइड पे ना कार्बन पुल कर रहा है उसका इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। नाउ दोनों कार्बन एटम्स का एक इलेक्ट्रॉन फालतू पड़ा हुआ है इन अ पी ऑर्बिटल, तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है पी ऑर्बिटल के अंदर, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है पी ऑर्बिटल के अंदर। अच्छा, जब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इसको भी अपना पी ऑर्बिटल फुल करना है क्योंकि वहां पे एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसको भी अपना पी ऑर्बिटल फुल करना है। दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को पुल करे होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन को पुल करा होगा, उसके इलेक्ट्रॉन को पुल करा होगा, दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे होंगे। एंड रिजल्ट इज दैट द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स, जो वो फालतू का एक ऑर्बिटल पड़ा हुआ था जो बचा हुआ था, वो दोनों आपस में अबव एंड बिलो दे वुड स्टार्ट टू मर्ज एंड दे वुड स्टार्ट ओवरलैपिंग। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना इधर बीच में फंस जाएगी, स्टक हो जाएगी, क्योंकि ना वो ना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जा सकते हैं ना उसके पास, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, ठीक है, तो वो उसके ऑर्बिटल को खींच रहा है, उसके ऑर्बिटल को खींच रहा है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एग्जैक्टली ना स्टक इन द मिडल, ठीक है, दैट्स योर पाई बॉन्ड। तो आपके पास तीन नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड्स बने थे शुरू में, कार्बन ने तीन नॉर्मल बॉन्ड्स बनाए, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, चौथा फालतू में जो पड़ा हुआ था ना, दैट एंडेड अप फॉर्मिंग अ पाई बॉन्ड। सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है, सारों को क्लियर? राबिया हादिया, इज दिस क्लियर? और कौन है? जी सर। अच्छा, सो दिस इज हाउ अ डबल बॉन्ड वुड लुक लाइक। ये जो हम डबल बॉन्ड्स देख रहे हैं, ये सारों की शक्लें ना इस तरह की होंगी रियलिटी में, ठीक है, एंड दिस इज द शेप। शेप क्या होगी? इट्स गोइंग टू बी 120 डिग्रीज। रिमेम्बर दिस डबल बॉन्ड इज एक्चुअली, मतलब इसकी एग्जैक्ट थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री जो है ना, गूगल कर लेते हैं अगर कोई बेहतर इमेज मिल जाए। sp2 ठीक है, जस्ट गिव मी वन सेकेंड।
बनाना ना पड़े बस। हाँ ये थोड़ा बहुत शो कर रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं, अच्छा जस्ट वांटेड टू बी क्लियर कि बेहतर इमेज मिल जाए, ये मिल गया। अच्छा सो द पॉइंट इज कि रिमेम्बर कि वो जो फैन शेप्ड कार्बन आटम्स है ना, वो एक अलग प्लेन में, ठीक है, लॉक टू बैकग्राउंड। सो ये जो कार्बन आटम्स है ना, ये जो एच एच और ये कार्बन आटम, ये तीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज जो है ना, ये एक अलग प्लेन में, ये फ्लैट नीचे पड़े हुए हैं, ठीक है, और जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, दैट्स अबव एंड बिलो इट, ठीक है। तो सो ऑलवेज इमेजिन कि एक फैन है और उसके टॉप के ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है और बॉटम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, दैट्स योर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस इज कि व्हेन अ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज फॉर्म्ड, तो मॉलिक्यूल की जो रोटेशन होती है ना, दैट्स रिस्ट्रिक्टेड, दैट्स व्हाई ज्योमेट्रिक आइसोमर्स इमर्ज आउट ऑफ दिस, बिकॉज योर रोटेशन गेट्स रिस्ट्रिक्टेड। उसका मतलब ये कि मेरे पास, लेट्स से, ये दो हाइड्रोजन एटम्स है, राइट, देयर इज दिस वन एंड देयर इज दिस वन, ये इनमें से एक हाइड्रोजन एटम जो है ना, वो आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इट्स कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड, ठीक है, सो दिस वन, अच्छा दिस वन इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू, वो जो है वो बोर्ड के अंदर जा रहा है, ठीक है, पीछे वाला। आप इनकी पोजीशन अब चेंज नहीं कर सकते, इट्स कंप्लीटली लॉक्ड इन प्लेस, यू कांट ट्विस्ट दिस, यू कांट, इसको ये नहीं कर सकते कि आप इस वाले एच को ना नीचे की तरफ ले आओ और ये वाला एच जो है ना ये ऊपर की तरफ चला जाए, यू कांट, जैसा वो टॉफी के रैपर्स एक साइड से आप ट्विस्ट करते हो ना खोलने के लिए। तो नाउ द थिंग इज द रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड, कि मतलब आप इन दोनों एज की ना पोजिशन, या अगर ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं, यू कांट चेंज देयर पोजिशन नाउ, क्योंकि इस साइड को आप इंडिपेंडेंटली रोटेट नहीं कर सकते। व्हेन देयर इज नो पाई बॉन्ड, यू कैन इंडिपेंडेंटली रोटेट दिस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज नो पाई बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल, तो इंडिपेंडेंट रोटेशन कैन हैपन, मतलब लेट्स से दोनों साइड पे ना sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आटम है और वो चार चार बॉन्ड्स बना रहे हैं। तो ये आपके पास है एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आटम एंड देर इज नो पाई बॉन्ड, तो इस साइड पे भी वही सिनेरियो है कि देर इज टेट्राहेड्रल एंड दिस इज एच एंड दिस इज ऑल्सो एच। अच्छा इस केस में होता है कि जब बीच में ना सिग्मा बॉन्ड होता है, खाली सिग्मा बॉन्ड, रोटेशन इज पॉसिबल, आप इस साइड को ना इंडिपेंडेंटली घुमा सकते हो, मतलब आप ये एच ना घुमा के ना, ये जो पूरा एक फैन टाइप, एक वो जैसा बाइसिकल की स्पोक्स निकली नहीं है ना, आप इसको स्पिन कर सकते हो कंप्लीटली, आपका जो बॉन्ड है ना, दैट विल नॉट ब्रेक, और ये यहीं पे रहेगा। तो ये एच अगर ऊपर पॉइंट कर रहा है ना, आप इसको घुमा के ना इस साइड को पकड़ के फुल रोटेशन दे सकते हो, एंड दैट वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ दिस। तो ऐसा लगा, ऐसा कर लो कि इस बॉन्ड के कितना ये तीन व्हील्स बने लगे हुए हैं, उनकी स्पोक्स हैं, दोनों साइड इंडिपेंडेंटली घूम सकती हैं, बट व्हेन देयर इज अ पाई बॉन्ड इन बिटवीन यू कांट डू दैट। उसका मतलब है कि अब ये एज अगर आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है ना, और ये वाला एज आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इन दोनों की जो डायरेक्शन है ना, वो अब फिक्स हो गई है, ठीक है, यू कांट चेंज देयर डायरेक्शन। अच्छा नेक्स्ट, तो किसी का माइक ऑन, सियाल माइक ऑन है। अच्छा सो नेक्स्ट थिंग इज, फर्स्ट थिंग इज रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड, और इसलिए व्हाट हैपेंस इन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स इज कि दोनों साइड है ना, दे आर लॉक्ड इन प्लेस नाउ। अब ये नहीं हो सकता कि अगर ये वाला एच आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है और ये वाला एच आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, तो वो सारी जिंदगी
इसी ओरिएंटेशन में रहेंगे, ठीक है, यू कांट ट्विस्ट देम अराउंड, ठीक है, द मॉलिक्यूल कैन नॉट बी ट्विस्टेड अराउंड. अगर सिग्मा बॉन्ड हो ना, खाली सिंगल बॉन्ड, द मॉलिक्यूल कुड बी ट्विस्टेड अराउंड. ये ऊपर पॉइंट कर रहा है, इसको घुमा के आप नीचे ले आओ, इट वुड स्टिल बी द सेम मॉलिक्यूल. अच्छा, सो सिस एंड ट्रांस वुड बी देयर टू अरेंजमेंट्स. वन ऑफ देम इज कि एक तो वो पहली कंडीशन मीट होनी चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, फैन शेप्ड होगा. So if I have a molecule जो दोनों conditions meet कर रहा है, so let's say here's this molecule now or fan shaped 120 degrees, ठीक है, trigonal planar. तो अब ये दोनों CLs ना नीचे की तरफ point कर रहे हैं, तब इनका मसला ये है कि ये अब सारी उम्र ही नीचे की तरफ point करेंगे, या अगर इस molecule मतलब दोनों एक ही direction में point करेंगे, that's known as your cis version of the molecule. कि सिस वर्जन में द सेम टाइप ऑफ ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड. इसी मॉलिक्यूल की एक और वर्जन एग्जिस्ट करेगी विच इज गोइंग टू बी ट्रांस वर्जन, एंड इट्स गोइंग टू बी अ कंप्लीटली सेपरेट मॉलिक्यूल, ठीक है, हैज नथिंग टू डू विद द फर्स्ट वन. ट्रांस के अंदर क्या होगा कि इट्स गोइंग टू बी बॉन्डेड इन एग्जैक्टली द सेम वे, एक्सेप्ट कि ये जो सी एल होंगे ना या एच एटम्स होंगे वो अब सेम साइड पे पॉइंट नहीं कर रहे, ये वाला सी एल ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है और वो जो एच है ना दैट्स पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स. सो व्हाट हैज हैपेंड इज कि योर डायरेक्शन ऑफ द बॉन्ड्स इज डिफरेंट. आई मीन इट्स स्टिल बॉन्डेड टू द सेम एटम एक्सेप्ट दैट इट्स नाउ पॉइंटिंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है. सो ये आपका सिस मॉलिक्यूल है, ये आपका ट्रांस मॉलिक्यूल है. इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं, ऑल्दो दे वेरी सिमिलर, क्योंकि स्ट्रक्चरली दे आर वेरी सिमिलर, बिकॉज द सी एल्स आर बॉन्डेड टू द सेम एटम, दी सी एल्स आर ऑल्सो बॉन्डेड टू द सेम एटम, एक्सेप्ट दैट दे आर पॉइंटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस. ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे होंगे तो दैट्स ट्रांस, सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे होंगे दैट वुड बी सिस. मुझे बताओ कि इन दोनों में से कोई, मुझे गेस करके बताया कि इन दोनों में से प्रॉपर्टीज में विच वन इज गोइंग टू हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड विच वन इज गोइंग टू हैव अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट. Yeah, which one is polar and which one is non-polar? Cis is polar. Okay, cis is polar because both Cl electronegative are, so both electrons are going to be pulled down towards the bottom. So the molecule of the bottom side will be that negative and the upper side will be that would become partial positive. Over here, the molecule would be non-polar because the Cl's are pointing in opposite direction, so the dipoles would cancel. ठीक है, वो बैलेंस आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो रिमेंबर के इवन इन ज्योमेट्रिक आइसोमर्स व्हेन द स्ट्रक्चर्स आर काइंड ऑफ वेरी सिमिलर, इवन देन द प्रॉपर्टीज कैन बी वेरी डिफरेंट. ठीक है, वन ऑफ देम इज पोलर एंड द अदर वन इज नॉन पोलर. अच्छा, अब तो ये आपके सिस और ट्रांस, ठीक है, रिमेंबर दिस, दे आर कंप्लीटली सेपरेट मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ये मॉलिक्यूल एक और चीज है, ये मॉलिक्यूल कंप्लीटली डिफरेंट चीज है और वो बने भी डिफरेंट तरीके से होते हैं. अब इसमें यह कि सिस एंड ट्रांस अब आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, वी नो के और अक्सर वो क्वेश्चन के अंदर ड्रॉ करने वो कहते हैं. सो लेट्स ट्राई एंड आइडेंटिफाई, पहले तो एक सिंपल मॉलिक्यूल्स कर लेते हैं. लेट्स से आई हैव दिस मॉलिक्यूल. अच्छा, उन्होंने कहा कि क्वेश्चन पूछा कि इज दिस गोइंग टू फॉर्म सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स और नॉट. तो पहले कोई जल्दी से बता दे कि डबल बॉन्ड तो है, लेकिन इज इट मीटिंग द कंडीशंस? यस सर. ठीक है, इट्स मीटिंग द कंडीशंस क्योंकि ये कार्बन दो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच्ड है, वो वाला कार्बन भी दो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच्ड है. अच्छा, सिस एंड ट्रांस जब वो ड्रॉ करने को कहते हैं, यू जस्ट फोकस ऑन द डबल बॉन्ड. हमेशा इस तरह स्टार्ट करो कि डबल बॉन्ड फैन शेप्ड, ये वाला भी फैन शेप्ड. अब इसके साथ ग्रुप्स अटैच करो. इस कार्बन के साथ क्या क्या ग्रुप्स हैं? इस कार्बन के साथ एक साइड पे H है और एक साइड पे देर इज CH3. ठीक है, ये वाला तो आपने डबल बॉन्ड पहले ड्रॉ करना है और उसको एग्जैक्ट उसी तरह शेप में ड्रॉ करना है. अच्छा, दिस कार्बन इट हैज Cl एंड CH3, तो एक साइड पे Cl अटैच है और एक साइड पे CH3 अटैच है. ये मैंने कौन सी वर्जन बनाई है? ठीक है, सो दिस इज योर सिस वर्जन.
दूसरे के अंदर क्या करना है कि बस सी एच थ्री अभी एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करें, तो उनकी डायरेक्शंस उल्टी कर दो कि वो उसी कार्बन आटम के साथ अटैच हो, बस वो सी एच थ्री ऊपर चला गया और एच नीचे की तरफ आ गया। नाउ दिस वन इज योर ट्रांस वर्जन, ठीक है? तो आपके पास एक सिस है और एक ट्रांस है। इज दिस क्लियर? सर वन क्वेश्चन यस। सर, इफ ऑल फोर ऑफ देम आर डिफरेंट तो फिर तो किस तरह पता चलेगा कि ये सिस है ट्रांस है? नहीं, उसमें सिस और ट्रांस होता नहीं एक्चुअली, मतलब उसमें सिस और ट्रांस सेम कॉन्सेप्ट है, सब कुछ सेम है। उसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट होता है, ओके ईजेड होता है, मतलब वो यही एग्जैक्ट कहानी होगी, लेकिन उसको ना आप सिस और ट्रांस नहीं कहते, उसको आप ई और जेड कहते हो, तो वो कोर्स में नहीं है, ठीक है? सही सर। मतलब उसकी नेमिंग चेंज हो जाती है, मतलब एग्जैक्टली कहानी वही होती है कि अगर चारों डिफरेंट होना तो सेम आइसोमर्स बन रहे हैं, इसी तरह बन रहे हैं, बस वो नेमिंग जो है ना वो फिर सिस और ट्रांस करके नहीं करते, वो ई और जेड करके करते हैं, ठीक है? तो आप लोगों जो भी क्वेश्चन आएगा ना उसमें, क्योंकि सिस और ट्रांस ही आपके कोर्स में है, तो इसलिए दो ग्रुप सेम होंगे डेफिनेटली, कि वो सेम साइड पे होंगे, वो ऑपोजिट साइड्स पे होंगे। अच्छा, नेक्स्ट इज के इसी इसी से रिलेटेड, व्हाट इफ अ मॉलिक्यूल हैज टू डबल बॉन्ड्स विद सिस एंड ट्रांस? अच्छा, सो यू गॉट टू डबल बॉन्ड्स एंड बोथ ऑफ देम दे एग्जिस्ट इन सिस एंड ट्रांस वर्जन्स, तो आपके पास टोटल आइसोमर्स कितने एग्जिस्ट करेंगे? तो मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड थोड़ी होता है, उसके अंदर तो बहुत सारे डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं। सो आई विल स्टार्ट ऑफ विद अ सिंपल मॉलिक्यूल, लेट्स से आई हैव अ मॉलिक्यूल व्हिच इज अच्छा, यहां पे CH3 है, फिर एक और डबल बॉन्ड है, एंड देर इज H एंड देर इज CL। अच्छा, फर्स्ट थिंग, पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि ये दोनों डबल बॉन्ड सिस ट्रांस बना भी रहे हैं कि नहीं बना रहे। तो मतलब हेयर्स माय फर्स्ट डबल बॉन्ड, ये बना रहे सिस ट्रांस कि नहीं? बना ठीक है, बना रहे। अब उसपे जब आप साइड उसकी देखोगे ना, तो पूरी साइड देखनी है, मतलब इस साइड पे एच है और इस साइड पे CH3 है डबल बॉन्ड के इर्द-गिर्द, और उस साइड पे क्या है, एक साइड पे एच है और एक साइड पे ये पूरी चीज है, ठीक है? तो उसकी दोनों साइड्स डिफरेंट है, एंड द सेम इज ट्रू फॉर फॉर दिस वन, के देयर इज अ डबल बॉन्ड एंड देयर इज अ इस साइड पे दोनों साइड्स डिफरेंट है, इस साइड पे भी दोनों साइड्स डिफरेंट है, तो आपने पूरी साइड देखनी है उसकी। अच्छा, अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये इसकी जो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री होगी वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, एक सिस है और एक ट्रांस है, और इसकी जो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है वो भी दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, वन इज सिस एंड द अदर वन इज ट्रांस। तो मुझे बताओ इस मॉलिक्यूल की टोटल वर्जन कितनी होंगी? ठीक है, इसकी चार डिफरेंट वर्जन होंगी, क्योंकि या तो दोनों सिस फॉर्म में हो या इनमें से एक सिस और दूसरा, या पहला वाला ट्रांस में हो दूसरा वाला सिस में, और या फिर दोनों के दोनों, एग्जैक्टली दोनों के दोनों ट्रांस में हो, तो आपके पास यू विल हैव अ टोटल ऑफ फोर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के, जिसके अंदर ना तो इस मॉलिक्यूल की फोर डिफरेंट, देर वुड बी फोर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल। और एक आसान तरीका ये कि 2 to the power n याद रख लो, कि वेर n इज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स दैट कैन मेक सिस एंड ट्रांस वर्जन्स, मतलब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स दैट कैन एक्चुअली डू दिस थिंग, सिस एंड ट्रांस।
एंड द मॉलिक्यूल मस्ट बी अनसिमेट्रिक. अभी मैं सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स पे आता हूँ. सो इट शुड बी एन अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल. अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का मतलब है उसकी लेफ्ट मतलब सिमेट्री कोई नहीं होगी, लेफ्ट और राइट साइड डिफरेंट होगी. मतलब यहाँ पे देयर इज अ सीएल, उस साइड पे सीएल नहीं है, तो मतलब इट्स नॉट सिमेट्रिक. इसकी एक दो में और इसको ना आपको ड्रॉ करने को भी आ सकता है कि फॉर एग्जांपल वो कह दें कि सिस और ट्रांस ड्रॉ करो. तो सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस वन. ठीक है, लेट्स ड्रॉ वन ऑफ देम कि इसको ड्रॉ करते हैं सिस और ट्रांस. तो पहले वाले डबल बॉन्ड, ठीक है, तो आपने सिंपल डबल बॉन्ड से स्टार्ट करना है. डबल बॉन्ड के जो ज्योमेट्री होगी दैट्स गोइंग टू बी दिस. ठीक है, तो ये पहला डबल बॉन्ड पे फोकस करो. एक साइड पे एच और सी एच थ्री है, सो देयर इज एन एच एंड देयर इज अ सी एच थ्री. और इसको मैंने किस फॉर्म में रखना है, सिस फॉर्म में. तो दूसरी साइड पे एच है तो वो सेम साइड एच को सेम साइड पे ले जाओ. अच्छा, तो दूसरी साइड पे इस कार्बन आटम के ऊपर देयर इज एन एच, फिर ये सारी चीज शुरू हो जाती है. तो अगला डबल बॉन्ड शुरू हो जाता है. तो अगला डबल बॉन्ड भी उसी तरह ड्रॉ करो, वो ट्राइगोनल प्लेन है. ठीक है, अब इस डबल बॉन्ड को मैंने किस फॉर्म में रखना है, ट्रांसफॉर्म में रखना है. ट्रांसफॉर्म के लिए दोनों कार्बन के साथ एच है लेकिन वो ऑपोजिट साइड्स पे पॉइंट करने चाहिए. सो आई एम गोइंग टू पॉइंट द एच एटम्स, ये जो पहले वाले कार्बन के साथ है वो नीचे की तरफ है एंड द सेकेंड वन इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स. और ये आखिरी वाले कार्बन आटम के साथ देयर इज अ सीएल एज वेल, तो आई एम गोइंग टू पुट अ सीएल ओवर हियर एज वेल. तो ये मेरे पास सिस एंड ट्रांस जो कॉम्बिनेशन है इस मॉलिक्यूल की, कि पहला वाला डबल बॉन्ड सिस फॉर्म में एंड द सेकेंड वन इज इन द ट्रांस फॉर्म. तो बाकी जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो इसी तरह होंगे एक्सेप्ट के उनके बॉन्ड्स की डायरेक्शन डिफरेंट होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों सिस होंगे तो इसको तो इसी तरह रखो. ओवर हियर व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज कि एच को नीचे की तरफ पॉइंट कर दो और सीएल को ऊपर ले जाओ. सो देन दैट वुड बी अ सिस सिस वर्जन. सो इज दिस क्लियर? यस सर. अच्छा, नाउ अनदर थिंग अबाउट दिस इज कि मॉलिक्यूल्स कैन बी सिमेट्रिक. ठीक है, ये आपके पास पेपर में क्वेश्चंस आए हुए. What if this molecule was symmetric? तो इसी को उठाते हैं. So what happens in a symmetric molecule? तो symmetric molecule में ऐसे remember कि पहले तो इसी को ना टूर पर एन याद रखना कि अगर आपके पास तीन डबल बॉन्ड्स होंगे तो नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स कितने होंगे, एट हो जाएंगे. टू पर थ्री एट हो जाएंगे. अगर एक मॉलिक्यूल में फोर डबल बॉन्ड्स हैं और सारे के सारे सिस और ट्रांस वर्जन्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं तो टू पर फोर वुड बी 16. 16 डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप्स होंगी उस मॉलिक्यूल की. तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है कि डबल बॉन्ड ज्यादा होते जाएंगे और नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स मल्टीप्लाई करती जाएंगी. अच्छा, नाउ व्हाट्स द प्रॉब्लम विद सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स? लेट्स टेक द सेम मॉलिक्यूल एंड नाउ लेट्स मेक इट सिमेट्रिक. कि उसके पास दो डबल बॉन्ड हैं, दोनों सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स बना रहे हैं. आई एम जस्ट गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू अ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल. सिमेट्रिक मॉलिक्यूल इस तरह कन्वर्ट कर सकता हूँ कि अगर यहाँ पे भी मैं सीएल लगा देता हूँ तो नाउ मतलब उसके सिस और ट्रांस होने पे तो अभी भी कोई शक नहीं है कि दिस डबल बॉन्ड इज two different groups, it said maybe two different things. Double bond, two different groups, it said maybe two different things. Okay? Now, the problem, the only difference is that it's a symmetric molecule. Its left side or right side exactly same hai. So, symmetric molecules mein hota hai ki aap left to right ja rahe ho, to it's the same thing. Aur vice versa, agar aap wapis aa rahe ho, right to left, us molecule ko follow kar rahe ho, to it still looks exactly the same. So, matlab left to right or right to left, they're almost the same, nahi, they're exactly the same. So this is your symmetric molecule. Ab iske andar issue ye hoga ki combinations abhi bhi wo kyunki do double bonds hain aur both of them they exist in cis and trans versions, so four versions possible ho sakti hain ki wo sari four udhar se copy kar lu. Acha, so
So you might still have four versions. लेकिन two of them will be the same. ठीक है, और वो मुझे बता दो कि कौन सी two इनमें से same होंगी. Let's go. Cis and trans. ठीक है, cis and trans and trans and cis would be exactly the same. क्योंकि remember मैंने कहा कि उसे left to right देख रहे हो, right to left देख रहे हो, it would look exactly the same. तो cis पहले आए, trans बाद में, या left to right अगर दूसरी साइड से चल रहे हो, trans पहले आ जाएगा, cis बाद में आ जाएगा, but it would be exactly the same. तो इसलिए आपके जो number of possible three हो जाएंगे. आइसोमर्स जो होंगे ना वो कम हो जाएंगे. तो आपने उसमें ना सिमेट्री वाली जो चीज होगी ना कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट अगर सेम चीज आ रही है, जैसा ऊपर वाले ना लेफ्ट टू राइट, चलो ये कम्प्लीटली डिफरेंट चीज है, लेकिन यहाँ पे ना लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट अगर चीज एग्जैक्टली सेम आ रही है, तो दैट मीन्स दे आर द सेम. सो इट्स गोइंग टू बी वन, दिस वुड बी द सेकंड वन, दिस वुड बी द थर्ड वन. अच्छा, इन दोनों को हम जल्दी से शो भी कर देते हैं कि दोनों एग्जैक्टली सेम होंगे, कि मॉलिक्यूल तो बना हुआ है, उसी के ऊपर ना चेंजेस करके क्विकली मैं दो मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करता हूं. सो दैट्स वन, अच्छा दैट्स द अदर वन. इसको थोड़ा सेट कर लें कि वो सी एस टी मैंने हटा दिया था, उसकी जगह मैं सी एल ले आया था. अच्छा, सो आई एड अ सी एल ओवर हियर. सो दिस इज माय सिस एंड ट्रांस वर्जन, राइट? द फर्स्ट वन इज सिस एंड द सेकंड वन इज ट्रांस. अब मैंने कौन सी वर्जन बनानी है? ट्रांस एंड सिस. तो पहले वाले को ट्रांस करना है. इसके अंदर हम पहले तो वो सी एल ले आए. अच्छा, एच ऑपोजिट साइड्स पे चले जाएंगे बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक इट ट्रांस. और दूसरे वाले को मैंने सिस करना है, तो इसलिए मुझे ना एच सेम साइड पे लेके आने पड़ेंगे. सो द एच वुड बी पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स और सी एल को ऊपर ले जाता हूँ. अच्छा, ये दोनों मॉलिक्यूल्स अभी तो देखने में थोड़े से डिफरेंट लग रहे हैं, क्योंकि सी एल ऊपर पॉइंट कर रहा है, इधर सी एल नीचे पॉइंट कर रहा है, इधर सी एल ऊपर पॉइंट कर रहा है, इधर सी एल नीचे पॉइंट कर रहा है. बट आई टोल्ड यू कि ये दोनों एग्जैक्टली सेम है. द रीजन दे बोथ एग्जैक्टली सेम है क्योंकि ये एक दूसरे की ना फ्लिप्ड वर्जन है, कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ना उल्टा करूँ ना, तो इट इज दे आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल. अब सी एल नीचे पॉइंट कर रहा है, इसका भी सी एल नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, इधर सी एल नीचे पॉइंट कर रहा है, इसका भी सी एल नीचे. एवरी बॉन्ड इज एग्जैक्टली पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन. ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, वो बस एक दूसरे की मिरर्ड वर्जन्स थी, यानी फ्लिप्ड वर्जन्स थी. सो दिस इज योर सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स. इनका बस ये ख्याल रखना है कि वैसे तो सिंपल आइडेंटिफाई करना, जस्ट अ क्विक रीकैप, के डबल बॉन्ड ढूंढना है, डबल बॉन्ड के साथ कार्बन दो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच होना चाहिए. सिस वर्जन क्या है, ट्रांस वर्जन क्या है. मॉलिक्यूल्स में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए टूट पा रहे इनका, और बनाना भी थोड़ा बहुत आना चाहिए कि हो सकता है बनाने को आ जाए. तो एक का तो बनाने को हमेशा आता है, लेकिन दो का, दो के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, तीन के ऊपर भी क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन बनाने को मैंने नहीं देखा हुआ, लेकिन आ सकता है बनाने को. अच्छा, सो टू पर एन, रिमेंबर दैट, एंड रिमेंबर कि इफ द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक, तो ये जो सिस ट्रांस ट्रांस सिस वाली चीजें जो होंगी ना, दे वुड बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल. और एक बस इसमें जो एंड में जो बात करनी थी ना, वो ये थी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के अंदर ना सिस एंड ट्रांस इज नॉट पॉसिबल. Even अगर वो conditions भी meet करते हैं, the reason is कि let's say I have a cyclic structure अब ये वाला जो अच्छा, सो हियर इज योर साइक्लिक स्ट्रक्चर. अब इसके अंदर ये कि यू हैव अ डबल बॉन्ड एंड
द प्रॉब्लम इज कि वो जो डबल बॉन्ड है ना वो यू कांट रोटेट इट, मतलब इसकी ना कोई दूसरी वर्जन सिस के अलावा एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि आई कांट स्विच दीज साइड्स, क्योंकि रिमेंबर सिस एंड ट्रांस में ना आप कोई बॉन्ड तोड़ नहीं रहे होते, जब भी आप सिस और ट्रांस बनाते हो ना तो आप बस बॉन्ड की डायरेक्शन चेंज कर देते हो। लेकिन मसला ये कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में ना अगर मैंने सीएल को नीचे लेके आना है ना तो मुझे ये साइक्लिक जो स्ट्रक्चर है ना इसको तोड़ना पड़ेगा, आई वुड हैव टू ब्रेक इट, मतलब तभी वो चेन ऊपर जा सकती है ना, मतलब इस साइड से चेन नीचे पॉइंट कर रही है उधर से चेन को मैंने ऊपर लेके जाना है, आई कांट डू दैट। और अगर मैंने बॉन्ड्स तोड़े ना उसका मतलब है दैट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रक्चरल आइसोमर नॉट अ सिस एंड ट्रांस, क्योंकि सिस एंड ट्रांस में आप कोई भी बॉन्ड नहीं तोड़ते, आप बस डायरेक्शन चेंज करते हो, आई मीन द एटम्स आर स्टिल बॉन्डेड इन एग्जैक्टली द सेम वे एक्सेप्ट द डायरेक्शंस आर डिफरेंट। तो इसलिए साइक्लिक स्ट्रक्चर में याद रखना कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में इवन अगर सिस एंड ट्रांस की जो रिक्वायरमेंट्स है ना दे आर बीइंग मेट तो वो सिस एंड ट्रांस बना नहीं सकता, क्योंकि अगर आप बनाने की कोशिश करोगे ना एक और इसकी दूसरी वर्जन क्रिएट करोगे इसकी ट्रांस वर्जन तो आपको ये चेन तोड़नी पड़ेगी, और अगर आप चेन तोड़ोगे तो दैट वुड नो लॉन्गर बी अ स्टीरियो आइसोमर, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ स्टीरियो आइसोमर, इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रक्चरल आइसोमर। ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, चले ये कंटिन्यू करते हैं कल, इसमें बस वो ऑप्टिकल थोड़ा सा रह गया वो खत्म करके फिर पास पेपर्स इसके कर लेंगे आइसोमर्स के। ठीक है चले, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।